तो मैकेनिकल स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक पंप्स। तो हाइड्रोलिक पंप्स क्या होता है? जैसे आपको पता है कि जो रिजर्वॉयर है या टैंक है, उससे पंप जो है ऑयल लेता है और उसको डिलीवर करता है हाइड्रोलिक सर्किट में एक डिजायर्ड प्रेशर पे। डिजायर्ड प्रेशर पे उसको हाइड्रोलिक सर्किट में सप्लाई करता है। ऑयल टैंक से ऑयल लेता है, फिर उसको सप्लाई करता है डिजायर्ड प्रेशर पे। जनरली हम लोग हाइड्रोलिक पंप्स जो यूज करते हैं हाइड्रोलिक सर्किट में, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप है। उसके बाद पंप का क्लासिफिकेशन रोटा डायनेमिक होता है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल और प्रोपेलर है। रोटा डायनेमिक मतलब जहाँ पे हम लोग जिस पंप से पहले हम लोग वेलोसिटी फ्लूड का चेंज करते हैं, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, फर्दर उससे हम लोग उस फ्लूड को फिर प्रेशराइज करते हैं। पहले वेलोसिटी बढ़ाते हैं, फिर वो बाई केसिंग के थ्रू उसमें प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो पंप है जहाँ पे हम लोग रियल डिस्प्लेसमेंट करते हैं किसी वर्किंग एलिमेंट के थ्रू, जैसे पिस्टन हो गया, गियर हो गया, वेंस हो गया, स्क्रू हो गया। ये सब जो एलिमेंट्स है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसका रियल फ्लूड का रियल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रेशर इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ाते हैं, डायरेक्ट प्रेशर इंक्रीज होता है। किसके चलते इंक्रीज होता है? वो जो रियल डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से। रियल डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होता है? पिस्टन, गियर, वेंस, स्क्रू, ये सब जो वर्किंग एलिमेंट यूज़ करते हैं उसकी वजह से होता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है, जनरली दो तरह का होता है, रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है और रोटरी पंप होता है। रिसिप्रोकेटिंग को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है पिस्टन पंप, प्लंजर पंप, डायफ्राम पंप में। ये रिसिप्रोकेटिंग पंप्स के अंदर आते हैं। और रोटरी पंप होता है हमारा गियर पंप, वेन पंप, लूप पंप और स्क्रू पंप। थैंक यू।